अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मसूर की दाल। दाल को मैंने 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था और इस कप से मैंने नापा है 1 कप मसूर की दाल और 1 कप मूंग की दाल। टमाटर लिए मैंने 2 मीडियम साइज के, इनको बारीक काट के रख लिया है। 1 चिकन क्यूब्स जाएगा इसमें। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा ऑयल है और ये है कुटी हुई और पिसी हुई मिर्चें, ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिए है। हल्दी 1/2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट है ये 1 टेबल स्पून है, हरा धनिया, हरी मिर्च गार्निशिंग के लिए और प्याज से हम भगार लगाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। मैं कुकर में बना रही हूँ, अगर आप पतीली में चाहें उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बस मैंने ऑयल गरम करने रखा था और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसको मैं 1-2 मिनट के लिए बस भूनूंगी और साथ में जो है मैं हल्दी पाउडर डाल दूंगी इसमें। और हल्दी पाउडर डालने के बाद बस इसके साथ ही मैं इसमें चिकन क्यूब्स डाल दूंगी। आप चिकन क्यूब्स डालकर ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी, इसका फ्लेवर टेस्ट चेंज हो जाता है बहुत। तो बस इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएँ और जो हमारा चिकन क्यूब्स है वो मेल्ट हो जाए। तो ये देखें अच्छे से भुन गया है। तो अब मैं इसमें जो है मिर्ची ऐड करूँगी और साथ ही मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। तो बस टमाटर के साथ अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड और करूँगी मैं इसमें ताकि हमारे टमाटर जो है वो गल जाए। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी और उसके बाद जो है हम इसको अच्छे से भून लेंगे और टमाटर गल जाएंगे। तो मैं आगे आपको स्टेप दिखाती हूँ कि इसके बाद हमें क्या करना है। तो ये देखें अच्छे से टमाटर हमारे भून गए हैं। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है और साथ ही में मैं दाल भी डाल दूँगी। और दाल डालने के बाद जो है मैं इसमें टोटल 1.5 कप पानी डालूँगी। तो ये 1.5 कप में अच्छे से गल जाएगी। आप अपने उसके हिसाब से देखिएगा अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो बस अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद जो है मैं 1 कप पानी और ऐड करूंगी इसमें। ये 1/2 कप पानी गया है और 1 कप और जाएगा। उसके बाद जो है हम इसको ढककर दाल गलने तक पकाएंगे। तो ये अच्छे से देखें मिक्स हो गई है। तो 1 कप पानी मैंने और ऐड कर दिया है। तो बस अब इसको ढक्कन लगा के दाल गलने तक पकाते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी दाल गलनी है और गल गई है हमारी। तो ये देखें मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया था पतीली में, तो ये इतनी दाल हमारी गल गई है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो पानी आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे, आपको कितनी गाढ़ी और कितनी पतली रखनी है। मुझे चावलों के साथ यूज़ करनी है तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला है, क्योंकि अभी ये पकेगी, हमें पानी डालने के बाद भी पकाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने इसमें पानी इतना डाला है। तो ये पक जाएगी तो हम इसमें भगार लगाएंगे। तो चलें भगार लगाते हैं इसमें। तो मैंने प्याज जो है वो घी में गोल्डन ब्राउन कर ली थी और 2-3 हरी मिर्चें जो मैंने आपको दिखाई थी वो मैंने दाल में डाल दी थी और अब हमने भगार लगा दिया है। तो इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया और उसके बाद जो है मैं इसको कवर करके 1-2 मिनट के लिए छोड़ूंगी ताकि अच्छे से हमारी भगार की जो खुशबू है वो दाल में आ जाए। और चूल्हा जो है वो मैंने बंद कर दिया है। तो बस इसको 1-2 मिनट बाद मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये है इसका फाइनल लुक। तो मैंने पूरा मेन्यू तैयार किया था। तो ये कचूमर है, तली हुई मिर्चें और चावल बॉयल। तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।